आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल हमारे चैनल पर एक वीडियो वायरल हुआ था, भाखरी गांव का ये शराब का ठेका है जिस पर 12 अक्टूबर को कब्जा कर लिया गया था जबरन। बाजरी गांव में भी एक ठेके पर कब्जा किया गया था और भाखरी गांव में भी एक ठेके पर कब्जा किया गया था। ये दोनों ठेके रंजीत सिंह के नाम पर हैं, उनके पास इसका लाइसेंस है, लेकिन कुछ लोग आए जबरन घुसे हैं, स्टाफ को बाहर फेंका है और कब्जा कर लिया है। हालांकि जब इसकी खबर एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को दी गई तो उन्होंने इसको सील कर दिया था। आज वापस में सील खोली जा रही है, लॉक खोला जा रहा है और रंजीत सिंह को ये ठेका हैंडओवर किया जा रहा है। नज़दीकी सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी है, वहाँ भी शिकायत दी गई है। पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। जिनके पेपर हैं उनको ये ठेका हैंडओवर किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं सील खोली जा रही है, दोनों तरफ से इसको सील किया गया था और अभी लॉक खोला जा रहा है दोनों तरफ से। तो भाखरी गांव में ये ठेका है, सैनिक कॉलोनी की साइड में, पीछे सैनिक कॉलोनी है और पेपर रंजीत सिंह के नाम पर हैं, तो उनको ही ये ठेका हैंडओवर किया जा रहा है। अभी हमने बाजरी गांव से भी लाइव दिखाया तो वहाँ भी जिस ठेके पर जबरन कब्जा किया गया था उस ठेके को रंजीत सिंह के सुपुर्द कर दिया गया और अब भाखरी गांव में इस ठेके पर जबरन कब्जा किया गया था जिसको बाद में एक्साइज वालों ने सीज कर दिया था, सील कर दिया था और वापस में लॉक खोल कर ये ठेका रंजीत सिंह को सुपुर्द किया जा रहा है। तो ये पूरी लाइव कार्रवाई है और जो भी आरोपी हैं उनके बारे में शिकायत दी गई है सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी में और डबुआ थाने में। तो वहाँ की पुलिस अपना काम कर रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट वाले अपना काम कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी स्टॉक होगा वो चेक किया जाएगा, पूरी लिस्ट निकाली जाएगी और पता लगाया जाएगा कुछ मिस तो नहीं है, कुछ गायब तो नहीं है और उसी के आधार पर आगे की पुलिस कार्रवाई होगी। आप लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो बताओ ना, हम रंजीत के पार्टनर है, 1 करोड़ रुपए दे रखा है इन चोरों को। ये इसको दिखाओ, नकली शराब। सर हम एक सर मेरा ये आप सबसे मेरा कहना है कि हम कोई फ्रॉड नहीं है, हमारे पास बकायदा रंजीत के साथ पार्टनरशिप डीड है, किंग लीकर एम्पोरियम में हम 50% के पार्टनर है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी, एक मिनट, हम किंग लीकर एम्पोरियम, किंग लीकर एक मिनट, कुछ गाली दोगे तो आपकी कमी निकल जाएगी। किंग लीकर एम्पोरियम के रंजीत सिंह के हम 50% के पार्टनर है। इस जोन में पाली भाकड़ी में हमारा बराबर का हक है। कल से सर आप रिपोर्ट चला रहे हो, आपको बोला था ये मीडिया। हाँ मैंने भी आपको बोला था, आप दूसरे पक्ष की बात सुनो, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। मैं भी अभी एक्साइज से आई हूँ, मैंने एक्साइज को 65 लाख के डीडी दिए हुए और बाकी किंग लीकर एम्पोरियम में कैश डिपॉजिट करा है। इस चीज के मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, मेरे पास MSME है, मेरे पास हर चीज है। मैं यहाँ बिल्कुल एक्साइज कह रहा है कि आप यहाँ बैठने के बिल्कुल हकदार हो। मेरे को रंजीत सिंह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन है कंवलजीत सिंह और उसके फादर चरणजीत सिंह से, जो कि मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है, जो कि पाली वाले ठेके पे ये अपने पर्सनल अकाउंट से देख सकते हैं लाइव लड़ाई हो रही है आपस में। पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए लड़ाई चल रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट वाले सील खोल कर और इस ठेके को जो है हैंड ओवर कर रहे थे और लड़ाई चल रही, देखिए आप लोग देख रहे हैं। पुलिस के बावजूद भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं और ये सब जो है लाइव चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल हकदार है, ये देखिए इसने मुझे ये मारा हैंडल, ये देखिए ये ऐसे हमारे साथ हत्तोपाई करता है रंजीत। हमारे पैसे दिए हैं, पैसे दिए, कितने पैसे दिए, हमने 1 करोड़ रुपया दिया है इनको। दिखाइए पेपर, जाके कोर्ट में दिखाओ, जाके कोर्ट में नकली फॉर्म बनाइए, नकली फॉर्म नहीं
कुछ नहीं है, एक्साइज एक्साइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे अंदर पड़े, मैं अभी देती हूँ आपको, सारे डॉक्यूमेंट दूंगी, पैन कार्ड है, सब कुछ है। ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट सारे, ये देखो 50-50 के पार्टनर है ये, शायद इसके साइन मेरे, 1 करोड़ रुपए पूरे रिकॉर्ड के साथ। ये एक्साइज ऑफिसर है बलबीर सिंह जी, सर मैं बैठने की, किसके नाम है भैया, किसके भैया नाम? अभी रणजीत सिंह के है, ठीक है। अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए, ये हमारे पास रणजीत सिंह ने कभी भी इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। बैठने के सर हकदार, लाइसेंस किसके नाम है? लाइसेंस रणजीत सिंह के नाम है। अगर ये है, ये इन्होंने दोनों ने पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है, दोनों का जैसे ही फैसला होगा जो इनका होगा। हम हकदार है या नहीं सर, हम बैठ नहीं सकते, ठीक है, हमारे पास पार्टनरशिप थी। अभी आपने कहा कि बैठो, आप भी हमने पार्टनरशिप पैसे दे रखे नहीं देंगे, हमने एक्साइज को ठीक है आपको पैसे दिए, पैसे हमारे पास 65 लाख के इनके डीडी है, डिटेल भी इनको दे दिया हमने। सर कह रहे हैं सर हमने 65 लाख के डीडी दिए ना, रखे हैं हमारे पास। ये देखिए सर, एक्साइज ऑफिसर कह रहे हैं कि हमने 65 लाख के डीडी दिए, 65 लाख रुपए के डीडी दिए मैंने। भाई दोनों थोड़ा 65 लाख के डीडी दिए हैं, 30 लाख रुपए चोर के अकाउंट में डाले कमल जीत के। सारे हमारे पास एक एक रिकॉर्ड है, जो जो आपको केस चल रहा है, 6 महीने जेल का। एक मिनट, मेरे पास मेरे इनके पास सारे लीगल प्रूफ है। हम कमल जीत को इसलिए नहीं बैठने देते क्योंकि ये नकली होलोग्राम बना। बैठेगा कौन यार, रंजीत बैठेगा, रंजीत बैठेगा, वो पार्टनर है हमारे, रंजीत बैठे, सेलमैन बैठे, रंजीत का ससुर, रंजीत पार्टनर है, ये चोर है, ये नकली शराब बेचते हैं अंदर। यहाँ पे मेहुल बैठे, रंजीत बैठे, रंजीत का ससुर बैठे, रंजीत का ससुर बैठे, हमें कोई कवल जीत से दिक्कत है, कवल जीत और चरण जीत से दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास कवल जीत के खिलाफ प्रूफ है, ये नकली होलोग्राम लगाता है, और जो चरण है उसका ये देखो बारकोड, हमने ये अपना बारकोड लगाया पड़ा है इसने, जो कंपनी का रहना चाहिए, करो स्कैन अपने फोन से लो, कोई बात नहीं, आपका केस चल रहा है पुलिस में भी जांच पड़ताल, एक्साइज ने पैसे दे रखे इन्होंने। आप ये देखो, आप ये स्कैनर है, इसको स्कैन करो, चरणजीत उठाएगा इस पे, ये देखो आपके सामने स्कैन कर रहा हूं, दिखा उसको, दे दे यार ओटीपी, दे दे यार, ये देख सैन को नाम क्या है जी, चरणजीत सिंह, ये सब चोरी करते हैं पे, ये अपने लगास्ता पर्सनल कुछ पलवल में रंजीत के खिलाफ FIR लॉन्च हुई है, नकली, ये यहाँ से गलत परमिट का यूज करते हुए पाया गया, और ये एंटीसिपेटरी बेल पे, हम सिर्फ रंजीत से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज कुछ भी इनलीगल एक्टिविटी ना करो, हमें ज्यादा पैसे मिले या कम, प्रॉफिट हो या लॉस, हम तुम्हारे साथ है हर चीज में। कवल जीत नकली शराब का काम नहीं करेगा, और चरण ये चोरी नहीं करेगा, ये देखो ये चरणजीत ने, हम ये है रंजीत, ऐसे ही हम आते आज मीडिया के सामने। आपने रंजीत को बोला था भाई कमलजीत को मत बिठाओ, हमने एक्साइज में बोला है, ये एक्साइज में बोल के आया है कि मैं वो सर के सामने, इसने सर के सामने इसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। एक बात देखो, सर सामने खड़े मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी एक्साइज के सामने, और एक्साइज बकायदा हमें सर्टिफिकेट देगी कि हमने 65 लाख के उनको डीडी दिए, बाकी हमने 35 लाख रुपए इनके किंग लीकर इम्पोरियम में डिपॉजिट कराया है, और ये बिल्कुल सच है, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं दोनों लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, जो भी इनके बीच में कंफ्यूजन है, इनका कहना है कि कुछ साझेदारी हुई थी और इन्होंने पैसे लगाए थे और उसी के आधार पर इनका काम चल रहा था, हालांकि लाइसेंस रंजीत सिंह के नाम है, और इनका कहना है रंजीत सिंह हमें एक्साइज में ले जाता था, सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे ले लिए, कह रहा मैं अंदर जाके दीदी दे के आता हूँ, अब मुझे नहीं पता अंदर कौन से दिए, इसने क्या किया, हम तो एक विश्वास पे मारे गए। लास्ट ईयर इस ठेके पे घाटा था, तो उसने मुझे कहा दीदी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा मुझे अपना बच्चा सेट करना है, पैसे हम लगाएंगे, तेरे पास एक्सपीरियंस है, 50-50 के पार्टनर होते हैं, ये डील, ये साइन, ये सब कुछ एक्साइज में बिल्कुल एक्सेप्ट कर गया है, और एक्साइज ने मुझे बोला कि आप जाओ, आपके डीडी आए हुए हैं, बिल्कुल आप ठेके पे बैठ सकते हो, बिल्कुल हमें हिसाब दे। इसने 4-5 महीने हमारे जो कंपनी के अकाउंट है, हमने पहले बोला था आप इसको पर्सनल यूज नहीं करोगे, इसने 4-4 लाख की पेमेंटें की है, और सब यहाँ से इनलीगल काम करने की कोशिश की, जब हम रोकते हैं तो हमें आने नहीं देता, हम ये कहते हैं कि देखो हमने 2 नंबर में कुछ नहीं करना, हमने जो करना 1 नंबर में करना, तो हमने कोई कंप्लेन वगैरह की थी आपको, जैसे आने नहीं दे रहे हैं कहीं पुलिस? अरे एक बात देखो, हमने हम क्यों कंप्लेन करें, हम आगे
हम अपने ठेके में आ गए और एक मिनट हम कंप्लेंट क्यों करें, हम अपने ठेके पे आ गए और मैंने कमल को कहा आप जाओ यहाँ से, जो कि वीडियो में सबने देखा, उसमें मैंने इसको प्यार से कहा, मैंने कहा कमल भाई तू चला जाए यहाँ से, रंजीत आए उसका ससुर है, कोई भी एक्स वाई जेड है, कमल और चरण नहीं आने चाहिए। बेशक आप इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैंने पहले रिक्वेस्ट की, मेरे पास फोन में डिटेल है, मैं इनको कॉल करती थी, ये ना मेरी कॉल सुनते थे, मैं सारी डिटेल आराम से इसी चैनल पे दूंगी। और सर मुझे आपसे एक कंप्लेंट है, कंप्लेंट ये है कि जब आप एक पक्ष को रखते हो ना तो प्लीज आप दूसरे पक्ष को भी कॉल करके पूछा करो कि भाई तुम्हारा क्या सीन है, हमने कुछ भी इनके साथ गलत नहीं किया। देखिए जी, नंबर डाला देखिए जी, आपको भी कोई मारेगा उठा के फेंक देगा तो हम दिखा देंगे। मैंने देखो आपको भी कोई मारेगा पीटेगा उठा के फेंकेगा तो हम दिखाएंगे उसमें। देखो ना, एक मिनट ना, हमने सरदार जी को मारा ना पीटा, उन्होंने वो क्लिप नहीं दिखाया जिसमें सब हाथ जोड़ रहे थे, सरदार जी कृपा करके आप बाहर आ जाओ, वो वाला क्लिप किसी ने नहीं दिखाया। फिर उन्होंने जब वो बाहर नहीं आ रहे थे उनको प्यार से बच्चों की तरह गोदी उठा के बाहर निकाल दिया, इसमें उन्होंने कुछ धक्का मुक्की थप्पड़ कुछ भी नहीं किया। वो चीजें जो है वो चीज गलत नहीं है जब कोई नहीं जाएगा। अब ये देखो अब आपके सामने क्या कर रहे हैं, ये देखो एक लेडी को मार रहे हैं, उसके साथ हथोपाई कर रहे हैं, मेरे को अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है रंजीत कि ये दिया था वो दिया था, मेरे पास तो प्रूफ है हर चीज। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम विनी बांगा है। और आपने ये पैसे दिए हैं या मेहुल? मेहुल बांगा को, मेहुल बांगा मेरा बेटा, इसके अकाउंट से सारी ट्रांजैक्शन हुई है और यही पार्टनर है। अब बच्चा है तो मैंने कहा चलो मैं साथ जाती हूँ इसके। आप भी आए थे? हाँ जी मैं भी आया था, मैं भी इसमें रिकॉर्डिंग में था, मैं भी था उसमें, हमने आके हाथ जोड़े, रंजीत कमल आप चोरी शराब बेचते हो नकली, आप बाहर आओ। आप ये बिना होलोग्राम के एक रोहित इंसान का बंदा 200 पेटी मंगवाता है, ये इसके पकड़वा देते हैं यार, इसके रिकॉर्ड चेक करो हम तो पकड़वा देंगे इसको, ब्लॉक लिस्टेड करेंगे एक्साइज से। ये नकली होलोग्राम वाली इसकी वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है? चलो ये सब पुलिस में दीजिए। नहीं नहीं पुलिस में तो आप भी दिखाओ। अभी दिखा दिया मैंने। देखो सर अगर एक मिनट सर, अगर आपने उसकी वीडियो दिखाई है तो प्लीज आप मेरी भी ये वीडियो दिखाओ, इसमें ये नकली होलोग्राम है जो कि इन्होंने अपनी दुकान पे रखे है। इस चीज से हमें ऑब्जेक्शन है, हमें और कुछ नहीं, हमें हिसाब दे पैसे ले दो। देखो जो आप कह रहे हैं 2 लाख को ले गए खींच के, हमारा पूरा ज्वाइंट अकाउंट बनाया जाए, ये मैं वीडियो आपको सेंड भी कर दूंगी। और ये देखिए अभी आपने जो पार्टनरशिप की है कहीं रिटर्न में वैसे नहीं है, ये है रिटर्न डीड है हमारे पास, पार्टनरशिप डीड है। ठेका वेका लिखा है दिखाओ कहाँ पे है, कहाँ लिखा है दिखाना, ये देखो आप किंग लीकर पढ़ने तो दो, बाकी ठेका कहाँ लिखा है दिखाओ। ये किंग लीकर एम्पोरियम है, इसमें जोन होती है, ठेका का अलग मेंशन नहीं होता, इसमें जोन होती है। हाँ ये है, मैं आपको बकायदा फोटोकॉपी दूंगी। चलो इसको देख लेंगे, इनका जो भी पेपर होगा वो दिखाया जाएगा और इनका जो पेपर होगा वो दिखाया जाएगा। सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी के इंचार्ज भी यहाँ पर आ चुके हैं, लड़ाई झगड़े की नौबत यहाँ पर आ चुकी थी, आपने देखा होगा सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस में शिकायत दी गई है, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल अपना कर रही है। तो ये भाखरी ठेका है, बाजरी ठेके पर भी आपने लाइव देखा होगा, और जो भी और अब मामले की अपडेट होगी आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।